बढ़ते अगली खबर की ओर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ वन परिक्षेत्र के जोकापार जंगल में पिछले दिनों आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पेड़ पौधों के साथ जीव जंतुओं को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन सबके बावजूद ताज्जुब की बात यह रही कि वन विभाग का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी आग को बुझाने नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में लोग महुआ उठाने के लिए जंगल जाते हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर वन विभाग ग्रामीणों के साथ क्यों नहीं है। देखिए रिपोर्ट। आपको बताते चले कि जाम पानी लोहरा पाट के एक बहुआ पहाड़ी कोरवा का घर भी इस आग के चलते जलकर खाक हो गया। उसके घर में रखे कपड़े और बर्तन को काफी नुकसान पहुंचा। ऐसे में पीड़ित परिवार ने शासन और प्रशासन से नया घर बनवाने की मांग की है। और इन दिनों शंकरगढ़ क्षेत्र में बहुत ज्यादा जंगल में आग लगने का समस्या आ रहा है सामने, और गाँव वाले का कहना है कि वन विभाग को सूचना देते फिर भी नहीं आते हैं। तो आज यही कुछ ऐसी मामला है जहाँ जंगल जल रहा था। आइए ग्रामीण से सीधे जानते हैं क्या है, कब लगा था आग, आपको क्या जानकारी है? मेरे को तो आज सवेरे जानकारी हुआ, और हम लोग चार आदमी मिल करके बुझाए भी तो नहीं बुझ पाया, जंगल जल ही गया। तो कौन लगा रहा है आग, कहाँ से? आग तो महुआ से आया है, महुआ बीच चुनने वाले जो है से जंगल में आग लगा दिए से वहीं से चढ़ गया आग, और बीच में जो है कोई नहीं उसको बुझाए। वन विभाग को आप सूचना दिए थे, सूचना किस प्रकार से दिए थे? तो फोने नहीं उठाते हैं, ना फोन नंबर भी बहुत के जगह में नहीं है, किसी के पास ही है तो फोने जंगल वाले नहीं उठाते हैं। कभी आते जाते हैं देखे हैं या नहीं? कभी नहीं आते हैं, यहाँ जोका पाठ में इबे नहीं करते हैं। दरअसल प्रखंड अवस्थित वन परिक्षेत्र का आधा हिस्सा वाइल्ड लाइफ में आता है, वहीं आधा हिस्सा पश्चिमी वन प्रमंडल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वाइल्ड लाइफ क्षेत्र के जंगलों में अलगी आग की खबर पाते ही वन कर्मी फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल कर आग को काबू पाने में सफल होते हैं। तो 3 दिन पहले ही लगा है, वक्त पहुंची है यहाँ आज गांव में, महुआ की वजह से लग जंगल में लगाए थे, आग यहाँ तक पहुंच गई है। आप ही लगाए थे जंगल में? जंगल में महुआ बीनने वाले लगाए थे, हम कहाँ लगाए। आग की लपटें इतनी तेज थी कि पेड़ पौधों के साथ जीव जंतुओं को काफी नुकसान होने का खतरा था। एक ग्रामीण के घर में आग भी लग गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर वन विभाग चाहता क्या है, वन विभाग ने आग को बुझाने का प्रयास क्यों नहीं किया, क्या लोगों की चिंता वन विभाग को नहीं है? यह सारे सवाल हैं, लेकिन शायद इसका जवाब कोई देना नहीं चाहता है। अब देखना होगा कि इन जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रशासनिक कोई कार्रवाई होती है नहीं, या फिर हर बार की तरह यूं ही इन दोषी अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। साथ पीड़ित परिवार भी मौजूद है, सीधे उनसे जानेंगे कैसे में आग लगा और क्या क्या नुकसान हुआ है। कहाँ नाम हिकना तोर? बुगदहा। तो एक कब आग लगी, कैसे तोर घर जल गया? कल 12 बजे जा रही नहीं रहे कमा जा रही। तो तुके क्या लगे, कैसे हैं जा रही? अब तो जंगल आग ही लगी तो भाई उड़ का ही हुई। तो क्या का नुकसान होला? बहुत बर्तन नुकसान हुई, कपड़ा मन सब। अब गरीब आदमी कहाँ भेटू है? और आगे सरकार से क्या मदद चाहते? घर बनवाई दे, मदद दे तभी तो घर बनाऊ, खाए पिए ये नीचे। तो चावल मन सब जल गए? चावल सब पूरा गिर गए। शंकरगढ़ से आकेश्वर यादव की रिपोर्ट। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। होराइजन हॉस्पिटल, जल विहार कॉलोनी, कटोरतला, रायपुर।